来了。Yes, he was very busy. Hmm? Missed you, Papa. I also missed you, Beta. You, Beta. I'm fine, Papa. How's everything? Everything is okay. यकीन नहीं आता कि ये मैं नहीं हूं. इट्स अमेजिंग. अब करना क्या है? आई एम इन लव विद हर. मैं इतना प्यार करता हूं इस लड़की से कि एक मर्तबा खुद को मार देने का फैसला भी किया था मैं, ये सोच करके शायद रूह बन कर इस रूह से मिल सके. क्यों करते हैं आप इतना प्यार? कैसे किसी की सिर्फ एक तस्वीर देख के उसके लिए जान दे सकते हैं? डू यू लव समवन? जी. मेरा मतलब है आपकी जिंदगी में कोई है या कोई रहा है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली, आई मीन ट्राइबल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ. हमारी जिंदगी के फैसले हमारे मर्द करते हैं. वो ही फैसला करते हैं कि हमारी शादी किससे होनी है और हमारी जिंदगी में कौन आएगा. लेकिन कोई किसी को दिल में आने से तो नहीं रोक सकता? हमारी माएँ हमारे दिलों की मजबूरियाँ हमें पहले ही समझा देती हैं. तो गोया अगर आपका दिल कभी किसी के लिए धड़का होगा तो आपने उसे समझा दिया होगा. मैं चलती हूँ, मेरी क्लास. लेकिन मैंने अब तक आपके सवाल का जवाब नहीं दिया. कौन सा सवाल? यही कि मैं इस लड़की की तस्वीर देखकर इससे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ. एक्चुअली मुझे आज तक किसी लड़की ने हैरान नहीं किया, किसी ने मुड़कर दोबारा देखने पर मजबूर नहीं किया. मैंने तकरीबन सारी दुनिया की लड़कियां देखी हैं लेकिन कभी मुझे हैरत नहीं हुई, ना किसी की ब्यूटी से, ना किसी के टैलेंट से. लेकिन इस तस्वीर में जो लड़की है उसकी शरारत, उसकी मासूमियत ने खींच लिया मुझे अपनी तरफ, बांध दिया मुझे अपने साथ. फरदीन साहब, बेस्ट ऑफ लक. आपकी बीवी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है. आपको जिंदगी भर बहुत खुश रखेगी. आपको मेरी शादी में नहीं आना चाहिए था. वो लड़की जिसे मैं एक रूह समझकर अपने दिल में कैद कर चुका था, वो आपकी सूरत में एक जिस्म लेकर मेरे सामने आ गई. वो महरूमी जिसे मैं मूजना की दोस्ती में भुलाने की कोशिश कर रहा था, आपकी वजह से अब मैं मूजना से भी महरूम हो गया. अब वो मुझे खुश रखने की जितनी भी कोशिश कर ले, मैं खुश नहीं रह सकता. काश कि मैं आपको समझा सकती मगर मेरे पास ना ही कोई लफ्ज़ है और ना ही इस बात की इजाज़त कि मैं किसी भी खैर मर्द से इतनी देर बात भी कर सकूं. मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद मेरी परेशानियों का और मजबूरियों का ख्याल रखेंगे. सुनिए, इन्हें आप खुद ही फाड़ के फेंक दीजिएगा अपने हाथों से. मुझ में इतनी हिम्मत नहीं. बाय. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से. इसमें मेरा क्या कसूर है? बिगाड़ा तो उसे आपके लाड प्यार ने है.
हो भाई, मैं भी तो लाडला था अपने माँ बाप का जब मैं तुम्हारे पास आया था। कैसा सीधा किया था तुमने मुझे, कैसे नखरे निकाले थे तुमने मेरे। और एक इसको देखो, इसका कंट्रोल ही नहीं है उस पर। शादी के दूसरे ही रोज सुबह सुबह निकल गया आवारा गर्दियां करने के लिए। अल्लाह करे अंकल आवारा गर्दी करने निकला, सेलफोन भी ऑफ है उसका, बहुत परेशानी हो रही है। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। बेटा वाकई तुम्हें कुछ बता के नहीं गया है या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं पापा, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी। कह रहा था कोई दोस्त उससे शादी में नाराज हो गया है, उसी से मिलने या फिर ढूंढने जा रहा है उसको। पता नहीं ये नया कौन सा दोस्त निकल आया उसका, मैं तो उसी का सुन रहा था, अरशद कोई है, ये पता नहीं कौन है। अरे भाई जो भी है अरशद, उसको कम से कम फोन कर ले ताकि अगर उसे कुछ पता है तो बताए। मैंने कहा है उससे, मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मैं पता करके बताऊंगा। अच्छा तो ये कहानी है। देखो सबसे पहले तुम अपने घर पर बात करो, फिर जो भी बात करनी हो मुझसे करना। कर लूंगा यार। अबे भाई तुम्हारे घर वाले परेशान हैं तुम्हारे लिए, ऊपर से तुमने अपना फोन बंद किया हुआ है और लैला के गली के चक्कर काट रहे हो, और वो तुम्हारी बीवी परेशान बेचारी शादी के दूसरे दिन से तुम्हें तलाश करती फिर रही है। ये लो बात करो मुझसे फौरन, अपनी खैरियत बताओ उसको। यार मैं कर लूंगा ना। शराफत से बात करो, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ मुझना। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं बस वो, अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके अब क्या? बहुत ही जालिम आदमी हो तुम, कसम से फरदीन कोई बहुत ही जालिम इंसान हो तुम। तुम्हें उस बेचारी लड़की पर जरा सारा भी रहम नहीं आता, उस लड़की पर जो इतने सालों से आगे पीछे घूम रही है तुम्हारी, और अब बीवी बनकर भी वो। यार प्लीज यार, मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया, मैं यहाँ अपनी बात करने आया था। अगर तुम मुजना के इतने डैडी बन रहे हो तो मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। बेटा तो और कहीं जाओगे ना तो इससे ज्यादा बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा तुमको। तुम मेरे कहने पर उस लड़की के पीछे क्यों गया? मेरे लिए उसका नंबर लेकर क्यों आया? गुलमिना के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। तू अपनी मोहब्बत में कितना हेल्पलेस है, कितना मजबूर है, कितना मोहताज है और कितना खुदगर्ज है। ना तुझे अपनी माँ की परेशानी का ख्याल है, ना अपने बाप की बेइज्जती का। अरे भाई वो एक रूह है, आई मीन के उसी रूह से मिलती जुलती एक लड़की है जिसका उस रूह से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। वो रूह नहीं है, वो वही लड़की है। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरशद, वो वही लड़की है, वरना मैं इस तरह पागल ना होता उसके पीछे। यार तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों में वही चमक है, उसकी हंसी की आवाज वैसी है, उसके चेहरे पे वही शरारत, वही मासूमियत है। Can't you see that? You're completely dead. तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो फरदीन। भला वो एक रूह और ये जिस्म कहां से दोनों एक हो गए? मेरी नजर से देखो तो पता चले तुम्हें कि वो कौन है। मान लिया कि वो रूह एक रूह है, वो मतलब वो लड़की। अबे यार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, देखा मतलब वो रूह एक लड़की ही है, ठीक है ये बात मान ली, तो अब क्या करोगे तुम? बताओ क्या करें। तुम एक काम करो, तुम मुजना को लेकर यहाँ से चले जाओ, हनीमून जाके मना लो, उस रूह शू से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। वो कि मेरे दरवाजे पे थोड़ी बैठी हुई है, जो मैं भागूंगा तो वो उठकर चली जाएगी। वो मेरे दिल में रहती है, मेरी रूह में रहती है, मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरे साथ जाएगी। हाँ तो फिर ठीक है, रखो अपने साथ उसको, मिल तो वो तुम्हें सकती नहीं है, ना रूह की सूरत में ना जिस्म की सूरत में, बस ख्यालों में प्यार करते जाना उसको। और भाई खुदा का वास्ता है मेरे लिए भी कुछ कर दो, मेरा भी कोई काम कर दो जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। मुझे पता चला है कि गुलमिना के बाप ने आज किसी को खाने पर बुलाया। देखो फरदीन, अगर गुलमिना मुझे नहीं मिली ना, मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, तो मैं तो क्या 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 मैं भी एक रूह बन जाऊंगा, और जो तुम्हारी लैला है ना रूह, उसके साथ मिलकर मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें ड्राई करेंगे। तेरा ख्याल है मैं इससे डर जाऊंगा।
कौन लड़की है वो? कौन? कौन सी लड़की अंकल? मैं तुमसे नहीं, फरदीन से पूछ रहा हूँ। कौन थी वो लड़की जिसको तुम सुबह सुबह मिलने गए थे? बता दो ना यार, हमसे क्या छुपा रहे हो? हो सकता है हम सब इस प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दें, और वो जो लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है उससे शायद तुम बच जाओ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली फरदीन का एक फ्रेंड इंग्लैंड से। हाँ डैड, मैंने आपको बताया था ना, वो मेरा दोस्त जो इंग्लैंड से आया हुआ है उसे हमारी शादी के इन्विटेशंस नहीं मिले। वो नाराज़ था इस बात पर, मैं उसे मनाने गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूल्हा शादी के दूसरे ही रोज़ अपनी दुल्हन को छोड़कर अपने दोस्त को मनाने सुबह ही सुबह चला जाए। ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि अगर किसी खातून का कोई चक्कर हो। फरदीन, वाकई कोई ऐसी बात है? बताओ ना। आंटी ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी इतनी सी भी बात होती ना तो सबसे पहले उठ के फरदीन मुझे इन्फॉर्म करता, मुझे कहता कि मोजना प्लीज़ हेल्प मी आउट, ये लड़की मुझे तंग कर रही है, तुम इससे मुझे बचा लो। देखो मोजना, तुम इस सीरियस मैटर को बहुत लाइट ले रही हो, बाद में मुझसे गिला मत करना। भाई क्या आप एक मजाक को लेकर बैठ गए हैं? फरदीन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा बेटा है, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। देखो सबिया, मैं इसके फायदे के लिए कह रहा हूँ, बाद में इसके साथ वैसा ही नाना हो जैसा मेरे साथ हुआ था। क्या अंकल, आपके साथ क्या हुआ था? अरे भाई ये तो मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या गुजरी थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ नॉलेज? अरे छोड़ो अब इस बात को, अब तो उसकी रूह भी कहीं थक हार कर बैठ गई होगी। अब तो आपको बताना ही होगा कि वो कौन है बेचारी। नहीं अंकल प्लीज, यू हैव टू टेल अस, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आपकी। मुझे यकीन है कि ये वही चुड़ैल है जिसने हमारा सवाद तक पीछा किया था जब हम हनीमून के लिए गए थे। अरे देखो इसका रंग कैसे उड़ रहा है, मैं कह रहा था ना कि जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ डैड, वैसे एक रूम मेरा पीछा भी कर रही है, मेरी जिंदगी में भी आ गई है वो। ये सब क्या हो रहा है? तुम बाप बेटे क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे पीछे कौन सी रूह लग गई है भाई? मुझे पहले यकीन था कि वो चुड़ैल ना बेचैन से कभी नहीं बैठेगी। कौन है आंटी, प्लीज आप ही मुझे कुछ बता दें प्लीज। इनके बॉस की बेटी, बताएं ना इसे आप, वही है ना? भाई पहले अपने बेटे से तो पूछ लो कि इसके पीछे कौन सी चुड़ैल पड़ी है। हाँ भाई फरदीन, तुम बताओ कौन चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है, कैसी है वो देखने में? डार्क कॉम्प्लेक्शन है, चपटी सी नाक है, कर्ली से बाल है, किस टाइप की है? नहीं ऐसी नहीं है वो। तो फिर कैसी है वो? वो बहुत मासूम है, उसके चेहरे पे हर वक्त एक खामोश सी शरारत मुस्करा रही होती है, उसकी आंखें पता नहीं वो किस रंग की हैं मगर उनमें जिंदगी है जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है। उसके बाल पता नहीं वो किस रंग के हैं मगर वो हर वक्त उसके चेहरे से खेलते रहते हैं। शट अप फरदीन, जस्ट शट अप। अरे वाह बेटा वाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, कमाल कर दिया तुमने। यानी कि मैंने एक कहानी शुरू की और तुमने उसको क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया।
अरे भाई, मेरी झूठी कहानी को तुमने ऐसा सच करके सुनाया कि मुझे भी सच लगने लग गई है। I was just joking, भाई, I was just joking. शर्म आनी चाहिए तुम्हें फरदीन, ऐसा ड्रामा करते हुए। You're such a good actor. Seriously, तुम्हें तो professionally acting करनी चाहिए। And by the way, आंटी, I have this idea. इन दोनों ने हमारे साथ ऐसा किया ना, हम भी इनके खिलाफ मिलकर ऐलान चलाएंगे। How's that? Excuse me. देखो बेटा, ये जो कुछ भी सारा मैंने किया है ना, ये तुम्हें अलर्ट करने के लिए किया है। मर्द कभी भी फिसल सकता है किसी की भी तरफ, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। पता है फरदीन, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई कोई लड़की है जो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है और तुम उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मेरी सांस रुक गई हो, लेकिन फिर जब सब कुछ क्लियर हो गया तो मेरी सांस में सांस आई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले की बात और थी, हम दोस्त थे, दोस्त बन के मैं तुमसे सब कुछ शेयर कर लेती थी, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड से लेकर शीना तक। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारा नाम भी ले या अपने घर में बैठ के भी तुम्हारे बारे में सोचे। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगता है जैसे हम पसेस भाई हो। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि तुम हर वक्त मेरे सामने रहो। बस मैं तुम्हें अपने पास बांध के रखूं और तुम्हें कहीं ना जाने दूं। मैं पहले तुम्हें तुम्हारी आंखों से देखती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने लग गई हूं। शादी के बाद बहुत बदल गई हूं ना मैं, और इसी वजह से तुम मुझसे नाराज हो, है ना? तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे फरदीन।
फरदीन, मन से पूछो